हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का सुबह का जय जिने। चलिए फ्रेंड, नाश्ता बन रहा है। इधर बन रहे हैं पराठे नमक जीरे के, और उधर बन रही है चाय, क्योंकि सब्जी भी बनाई है मैंने, लेकिन बस नमक जीरे के पराठे खाने की इच्छा हो रही थी। तो और मैंने सब्जी किस चीज़ की बनाई, तो चलिए वो भी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के संग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी बनाई है आलू मटर की, जो अभी दिखाने वाली हूँ मैं आपको। फिलहाल पराठा सिख रहा है इधर। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू मटर की सूखी सब्जी बनाई है। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता तैयार है, आइए, आप लोगों का वेलकम है। नमस्ते आंटी। आंटी नमस्ते। जय जिनेन। जय जिनेन। तूने मुझे बबुआ समझ रखा है। ये सीला आंटी, बबुआ समझ रखा है तुमने मुझे। कितना आनंद आया मुझे, बता नहीं सकता। मत बता। इतना आनंद तो मुझे आते नहीं है जितना अभी मुझे 2 मिनट पहले आया ना। ओहो। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का जज ने। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और मेरा दोपहर तक का लंच बन गया है। सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी आलू सेम की सब्जी, और फिलहाल अभी मैंने बनाई है मूंग पालक की दाल और चपल टिंडे भी बनाए, क्योंकि आज अष्टमी है और इन्होंने मतलब जिमीकंद छोड़ा हुआ है। जिमीकंद में मतलब जो जमीन के अंदर की सब्जियां होती हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बता रही हूँ। वैसे तो हम लोग जैन हैं, तो जो जैनी मेरी फ्रेंड्स है वो तो सब कुछ जानती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सच बताऊँ तो लंच भी कर लिया एक तरीके से। सुबह नाश्ते में चपल टिंडे से एक पराठा खा लिया था, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ और अब मुझे लगी थी भूख, तो मैंने अब भी खा लिया है। फिलहाल ऊपर जाना है छत पे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े मैंने धो लिए हैं, लगभग मेरा काम हो गया है, दोपहर तक का फिनिश हो गया है। थोड़ा सा है वो, तो वैसे भी हम लेडीज़ों को सारे दिन रहते ही ये काम वगैरह, सही कह रही हूँ ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। आप लोगों से बीच बीच में बात करती रहूँगी, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ इनकी शॉप पे कुछ काम है, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई। तैयार क्या हुई हूँ यार, नहाई धोई हूँ और बस वैसे ही चल निकली हूँ, है ना। तो चले चलते हैं। काती काती का मैं इसको भी प्यार कर रही हूँ, तेरे को भी प्यार कर रही हूँ। मम्मी मेरा बच्चा तो छोटा हो गया। छोटा हो गया, नहीं आएगा इसके, तो नहीं आएगा इसके, एक बार देख करके। बड़ा हो गया ये लड़का, जो बजा हो गया। रुक जाना, सुंदर सुंदर लड़का किचिका है, किचिका है ये सुंदर लड़का। भोपाला लगला तू तो, भोपाला लगला इच्छा तो, भोपाला लगला है, भोपाला लगला मेरा बच्चा तो। देखिए फ्रेंड, रुस्तम बोल रहा है आपसे कुछ। रुस्तम हेलो करो बाबू, पीनट बटर दे दो इस बच्चे। हेलो करो, हेलो जो जो बात करो बाबू, बात करो। कोको से भी करो मम्मी, कोको भी देखो, तुम भी बात करो, बात करो, खाओ नहीं उसको बाबू। चलो रुस्तम बात कर लो ना, इनसे बात कर लो, इनसे हाय लच्चू। ओ भाई रमु को आ जाता मम्मी अभी पूरा लच्चू। अभी पीनट बटर का डब्बा हटा दो वहां से बाबू। पीनट्स बटर के बहुत शौकीन है ये दोनों, डॉगीज होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद है ना पीनट्स बटर। टेस्टी है रुस्तम, मम्मी उंगली काट नहीं बिल्कुल भी करना क्या। चलिए फ्रेंड्स, आज आए हैं दादा देव के मंदिर, क्योंकि आपको पता है हर महीने आने का मैंने नियम ले रखा है। तो इस महीने मैं आ चुकी हूँ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने, और आप लोगों की भी। तो चलिए फ्रेंड्स, दादा देव के दर्शन करने के लिए चलते हैं, आप भी कीजिए मैं भी करती हूँ। Thank you.
फ्रेंड्स, हमने कर लिए दादादेव महाराज जी के दर्शन। हर महीने आते हैं दर्शनों के लिए और बहुत अच्छा रहता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है खाने पीने की, अच्छी अच्छी चीज़ों की दुकानें यहाँ गोलगप्पे भी बड़े फेमस हैं, तो मन में आए क्यों ना गोलगप्पे यहाँ के खाए जाए और थोड़ा सामान भी लिया जाए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गोलगप्पे बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो हम गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे पहली बार खाऊंगी, मुझे भी नहीं पता यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, गोलगप्पे खाने के बाद थोड़ी दूरी और चले तो यहाँ पे ये डोसा बहुत अच्छा बनता है। डोसा, इडली, सांभर, बड़ा बहुत टेस्टी बनता है, बहुत फेमस है ये। और इनको यहाँ पे दूर दूर से लोग वह खाने के लिए आते हैं, मतलब इतने साल हो गए कि इनके जो कस्टमर हैं वो बिल्कुल ऐसे मतलब बंधे हुए हैं कि उनको टाइम इनका पता है, फिक्स टाइम है उनके आने का और जाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहली दफ़े आई हूँ और जिनके साथ आई हूँ वो कई बार आ चुकी हैं यहाँ पे, तो मैंने ये बोली कि यहाँ बहुत टेस्टी डोसा मिलता है। डोसा खाने की इच्छा नहीं थी, फिलहाल मैं खाऊँगी यहाँ पर बड़ा और कुछ थोड़ा सा बच्चों के लिए भी पैक करा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके भी, क्योंकि खाना बहुत फेमस है तो खाना तो बनता ही है। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं और मैं अपने वीडियो को एंड करने के लिए आ गई हूँ। आज मैंने आपको दादा देव महाराज जी के दर्शन कराए, क्योंकि हर महीने को मैं दादा देव महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगी जब तक निभेगा, और जब जाऊंगी तो आपको ज़रूर ले जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई, आपके संग शेयर करी, तो प्लीज़ फ्रेंड, जाने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर ज़रूर करना। कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक आप सबको मेरी गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।